नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वर्ष 2024 लव लाइफ और मैरिड लाइफ की दृष्टि से धनु राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा। देखते रहिएगा इस वीडियो को और बने रहेगा मेरे साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की हुई सारी यूट्यूब वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप देख रहे हैं वर्ल्ड्स नंबर वन फ्री एस्ट्रोलॉजी सर्विस एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। सर्वप्रथम वर्ष 2024 की धनुराशि वाले जातकों को बहुत सारी शुभकामनाएं। नए वर्ष आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि लेकर आए, तरक्की लेकर आए। यहाँ पर कुछ ग्रह स्थिति और गोचर के बारे में हम आपको जानकारी प्रदान कर देते हैं। ग्रह स्थिति की बात करी जाए तो ग्रह स्थिति में सबसे पहले अगर देखा जाए तो शनिदेव पूरे वर्ष पर्यंत आपकी राशि से तृतीय स्थान का गोचर करते रहेंगे, यानी कि कुंभ राशि में गोचर करते रहेंगे। वहीं देखा जाए तो राहु केतु की बात करी जाए तो राहुदेव पूरे वर्ष पर्यंत आपकी राशि से चतुर्थ स्थान का गोचर करते रहेंगे और केतुदेव आपकी राशि से दशम स्थान का गोचर इस वर्ष पर्यंत करने वाले हैं। और ये आपके लिए क्या एडवांटेज लाएंगे, इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर ग्रह गोचर की बात करी जाए तो 1 मई 2024 तो गुरुदेव बृहस्पति जो है वो आपकी राशि से पंचम स्थान का गोचर करते रहेंगे, यानी कि मेष राशि में। और उसके पश्चात मई महीने के बाद गुरुदेव बृहस्पति वृषभ राशि में आपकी छठी राशि में गोचर करना शुरू करेंगे, छठे घर में उनका गोचर शुरू हो जाएगा। ये ग्रह स्थिति पूरे वर्ष पर्यंत आपको प्रभावित करने वाली है। इनका क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज रहेगा, इस पर हम चर्चा करें। उससे पहले आपको एक चीज कहना चाहूंगा, वर्षफल 2024 को हमने 3 भागों में विभाजित किया था। सबसे पहला भाग जो है वो था स्वास्थ्य परिवार धन संपत्ति की स्थिति से वर्ष 2024 धनुराशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा। उसके पश्चात हम भाग दो लेकर आते हैं, शिक्षा व्यापार नौकरी की स्थिति से वर्ष 2024 धनुराशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा। अभी आप जो देख रहे हैं वो है लव लाइफ और मैरिड लाइफ की दृष्टि से वर्ष 2024 धनुराशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे लव लाइफ की। लव लाइफ की दृष्टि से कैसा रहने वाला है वर्ष 2024। अगर लव लाइफ की यहाँ पर बात करें तो धनुराशि वालों आपकी राशि से यहाँ पर तृतीय स्थान का गोचर शनिदेव का रहने वाला है। शनिदेव अपनी तीसरी दृष्टि से पंचम स्थान को प्रभावित करेंगे और पांचवा घर होता है आपकी लव लाइफ का। शनि की तीसरी दृष्टि पंचम स्थान पर जाने से यहां पर मैं आप सभी से एक चीज कहना चाहूंगा, शनिदेव का यह प्रभाव आपके और आपके पार्टनर के बीच स्थिरता प्रदान करते हुए संघर्ष भी आपको देने वाला है। आपकी लव लाइफ में काफी हद तक आपको उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेंगे, आपके पार्टनर के साथ रिश्तों में आपको कड़वाहट देखने को मिल सकती है, लेकिन ये सारी जो चीजें हैं ये आपके रिश्ते को मजबूत करने वाली रहने वाली है। इस चीज का भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। यहां पर एक चीज विशेष आपको यह भी ध्यान रखनी है कि गुरुदेव बृहस्पति का मई महीने तक गोचर रहेगा, तो आपको सारी चीजें अच्छी देखने को मिलेगी मई महीने तक गुरुदेव बृहस्पति आपके लव लाइफ में आपको काफी हद तक एडवांटेज देंगे। आपको अगर पार्टनर की प्राप्तियां नहीं हुई तो आपको पार्टनर की प्राप्तियां करवा देंगे। आपका प्यार जो है वो काफी हद तक अच्छी तरीके से आपके पार्टनर के साथ अच्छा रिश्ता आपको निभाने का मौका मिलेगा। और साथ ही अगर आपकी तलाश अधूरी थी तो आप तलाश पूरी करने का काम भी गुरुदेव बृहस्पति यहां पर करते रहेंगे। लेकिन मई के बाद स्थितियां कुछ आपको बदलती हुई नजर आएगी। शनि का एकलता प्रभाव यहां पर रहेगा और शनि का एकलता प्रभाव आपके लव लाइफ में आपको काफी हद तक संघर्ष देने का काम करेगा। और संघर्ष की वजह से हो सकता है आपके और आपके पार्टनर के बीच कैची भी चल जाए। इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना आवश्यक रहेगा। और एक चीज यहां पर मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, शनि का यह तीसरा जो प्रभाव यहां पर आपके बना हुआ है पूरे वर्ष पर्यंत रहने वाला है, तो पंचम स्थान पर शनि की तीसरी दृष्टि आपके और आपके पार्टनर के बीच जो है काफी हद तक डिसएडवांटेज देने का काम करेगी। हो सकता है आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़े इस तरीके के हो कि आप दोनों अलग भी हो जाए और कुछ धोखा यहाँ पर मिलने के योग हमें बनते नजर आ रहे हैं। और आपके नाम पर यानी कि आपकी मान हानि होने का योग भी यहाँ पर बन रहा है, बदनाम होने के योग कुछ बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो थोड़ा सा आप संभल कर चलेंगे तो अच्छा रहेगा। वहीं हम बात करेंगे मैरिड लाइफ की दृष्टि से वैवाहिक जीवन की दृष्टि से कैसा रहेगा वर्ष 2024 धनुराशि वाले जातकों के लिए। अगर वैवाहिक जीवन की यहाँ पर बात करें तो पंचम स्थान में गुरुदेव बृहस्पति का गोचर रहने वाला है। गुरुदेव बृहस्पति पंचम स्थान में मई महीने तक रहेंगे और उसके पश्चात वो भी छठे स्थान का गोचर कर जाएंगे। और यहाँ पर धनुराशि वालों आपकी राशि से सप्तम राशि जो आती है वो आती है मिथुन राशि, और मिथुन राशि के स्वामी बुधदेव होते हैं। बुधदेव जब जब राशि में अच्छे अच्छे प्रभाव आपको प्रदान करेंगे, गोचर में अच्छे अच्छे स्थितियां जब जब उनकी बनेगी, तब तब आपको आपके पार्टनर के साथ रिश्तों में काफी अच्छी चीजें देखने को मिलेगी। लेकिन विशेष तौर पर एक चीज यहाँ पर मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि आपके पार्टनर के कुछ रोग की प्राप्तियां होने के योग यहाँ पर इस वर्ष पर्यंत आपको देखने को मिलेंगे। पार्टनर के साथ कुछ ऐसी डिजीज होगी जिसकी वजह से आपका पैसा हॉस्पिटल में खर्च हो सकता है। ये सारी चीजें यहाँ पर हमें बनती नजर आ रही है, तो थोड़े आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। और जो लोग अविवाहित जिनका अभी तक विवाह नहीं हुआ है उनके लिए मैं कहना चाहूंगा, गुरुदेव बृहस्पति 1 मई 2024 तक आपके पंचम स्थान में गोचर करेंगे और गुरुदेव का पांचवा गोचर जो होता है वो आपको
वैवाहिक जीवन में प्रवेश दिलवा सकता है, आपको वैवाहिक जीवन में बंधवा सकता है। तो यहाँ पर आप मई महीने तक अपनी कोशिश जारी रखें, आप हो सकता है आपको वैवाहिक जीवन में प्रवेश गुरुदेव बृहस्पति की स्थितियां करवा दे। उसके पश्चात गुरुदेव बृहस्पति अगले 13 महीने के लिए आपके छठे स्थान में गोचर कर जाएंगे, जो आपके लिए अशुभ गोचर रहने वाला है। उसके बाद 13 महीने के बाद गुरुदेव बृहस्पति का सप्तम स्थान का गोचर होगा, वो आपके लिए एडवांटेज लेकर आएगा, वैवाहिक जीवन में प्रवेश दिलवा सकता है। तो ये चीज आपको विशेष ध्यान रखनी है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो वैवाहिक जीवन में प्रेम कैसा रहेगा, तो वैवाहिक जीवन में प्रेम की अगर बात की जाए, शनिदेव की तीसरी दृष्टि पंचम स्थान पर होने के कारण आप अपने पार्टनर के साथ सही तरीके से टाइम एक्सपेंस नहीं कर पाएंगे, और इस वजह से आपका पार्टनर जो है आपके साथ कुछ मतभेद की स्थितियां बन सकती है, और आप दोनों के बीच इस मतभेद के कारण कुछ व्यक्ति होंगे जो इन्वॉल्व होंगे, और उसके कारण मनभेद भी हो सकता है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। आपके पार्टनर के साथ रिश्तों में कड़वाहट आपको प्राप्तियां हो सकती है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और साथ ही कुछ ऐसी स्थितियां भी निर्माण होंगी जिसकी वजह से आपको और आपके पार्टनर के साथ दूरियां देखने को मिल सकती है। यहाँ पर शनिदेव का जो ये प्रभाव है कुछ हद तक अगर कम होता है तो आपको आपके पार्टनर के साथ काफी हद तक अच्छा एंजॉयमेंट वाला टाइम एक्सपेंस करने का मौका भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां ही ऐसी होगी जिसकी वजह से आप सही तरीके से अपने पार्टनर को ट्रीट नहीं कर पाएंगे। वही देखा जाए जिन लोगों का वैवाहिक जीवन में प्रवेश भी हो चुका है और अब तक संतान की प्राप्तियां नहीं हुई, तो उनके लिए कहना चाहूंगा मई महीने तक ये स्थिति आपको प्रभावित कर सकती है। गुरुदेव बृहस्पति का यह गोचर आपको प्राप्तियां करवा सकता है। पंचम स्थान का गुरुदेव बृहस्पति का गोचर आपको संतान प्राप्ति का योग बना रहा है। अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो आपको सही है, सफलता प्राप्त होगी, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो लव लाइफ की दृष्टि से जो वर्ष है शनिदेव की तृतीय दृष्टि से काफी हद तक प्रभावित रहने वाला है। लव लाइफ आपकी काफी प्रभावित रहेगी, तो थोड़े संभल कर चलेंगे तो काफी अच्छी चीजें देखने को मिलेगी। उसके पश्चात अगर देखा जाए तो मैरिड लाइफ की दृष्टि से ये वर्ष जो है अच्छा रहेगा, लेकिन मई महीने के बाद काफी हद तक आपको परिणामों में जो है उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। आपके पार्टनर के साथ रिश्तों में आपको काफी हद तक कड़वाहट देखने को मिल सकती है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और हॉस्पिटल में पैसा खर्च करने का योग बनता हुआ नजर आ रहा है, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना। यहाँ पर कुछ उपाय जो है मैं धनुराशि वाले आपको बता देता हूँ, उन उपाय को अपने जीवन में उतारिए, आपको अच्छी चीजें देखने को मिलेगी। सबसे पहले अगर उपाय की बात करी जाए तो यहाँ पर अगर लव लाइफ या मैरिड लाइफ में आपकी तलाश अधूरी है, आपका विवाह नहीं हुआ है, या फिर आपको अभी तक पार्टनर की प्राप्ति नहीं हुई, तो आप गुरुवार का व्रत करें, केले के वृक्ष की पूजा करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। और गुरुवार के दिन आप किसी भी मंदिर में जाएं और वहां पर अपनी मन्नत मांगे, आपके लिए आपके मनोरथ सिद्ध यहाँ पर होते हुए आपको नजर आएंगे। और लव लाइफ और मैरिड लाइफ में आपके पार्टनर के साथ रिश्तों में आपको कड़वाहट देखने को मिल रही है, आपका रिश्ता आपके पार्टनर के साथ अच्छा नहीं चल रहा है, कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े आपको देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पर एक विशेष तौर पर गुरुवार का मैं यहाँ पर उपाय बता रहा हूँ, अपने माथे पर केसर का तिलक लगाए और भक्तों में आप जो है गुरुवार के दिन प्रसाद बांटे, आपके लिए अच्छा रहेगा। और यहाँ पर आपको श्री हरि विष्णु की आराधना करते हुए श्री हरि विष्णु के जो सहस्त्र नाम में विष्णु सहस्त्र नाम का जो पाठ होता है उससे करें, आपके लिए फायदेमंद चीजें देखने को मिलेगी। ये कुछ उपाय मैंने आपको यहाँ पर बताया। अगर आप अपनी कुंडली से जानना चाहते हैं कि कौन सा ऐसा ग्रह है जो आपका विवाह जल्दी करवा सकता है, या फिर ऐसा कौन सा ग्रह जो आपकी लव लाइफ सेंक्शन करवा सकता है, अगर सारी चीजें आप अपनी कुंडली से जानना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाइए। आज के दिन नहीं, कल फिर मिलेंगे एक नवड़ी के साथ, एक नवडो के साथ। जय आई होप कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल और महत्वपूर्ण रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोग भी इस चीज का फायदा उठा सके। दोस्तों बने रहिए इस चैनल के साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्ण।